हेलो स्टूडेंट्स आज हम हाउ डू ऑर्गैनिज्म रिप्रोड्यूस के रिटर्न नोट्स देखेंगे सो so, इसमें मैंने इस सब चीजें अच्छे से लिख कर दिखाई हुई है कि हमें अगर कोई आंसर करना है तो किस तरह से लिखना होगा ठीक है so, सो सबसे पहले यहाँ लिखा है रिप्रोडक्शन के बारे में द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गैनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन इट इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ इट एंश्योर्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ठीक है अब रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल हमेशा हम डिफरेंसेस को इस तरह से आ, लिखते हैं सो so, ए सेक्शुअल रिपोर्डक्शन में प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट और वहां पर प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स यहाँ पर कोई गैमी इन्वॉल्व नहीं होते हैं

वो क्या क्या है सबसे पहला है फिजन फिजन का मतलब होता है टूटना सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं फिजन इट इज ऑफ टू टाइप्स अगर दो में टूट रहा है तो बाइनरी फिजन और ज्यादा में टूट रहा है तो मल्टीपल फिजन सो so, बाइनरी फिजन में क्या है स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू टू न्यू ऑर्गेनिजम्स जैसे इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम लाइक अमीबा पेरामीशियम लिश्मानिया बैक्टीरिया एक्सेट्रा ठीक है बाइनरी फिजन होता है इसमें सो so, सबसे पहले जब अमीबा अपनी मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाता है ग्रोथ के जो उसका न्यूक्लियस है आप साथ साथ इमेज भी देख सकते हैं द न्यूक्लियस लेंथेंस एंड डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिविजन ठीक है इसके बाद होता है क्या साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या आप देख सकते हैं ठीक है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड ईच न्यूक्लियस ठीक है एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर अमीबी ठीक आप जो भी डायग्राम बनाएंगे आप उसको लेबल जरूर कीजिएगा जैसे मैंने यहां पर दिखाया हुआ है ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं किस पे मल्टीपल फिशन पे मल्टीपल फिजन में क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम जैसे प्लाज्मोडियम में प्लाज्मोडियम आपको पता है मलेरिया कॉज करता है ठीक है एक के प्रोटोजोआ है जो स्प्रेड होता है थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनिफल्स मॉस्किटो ठीक है अब क्या होता है जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो प्लाज्मोडियम एक सिस्ट या प्रोटेक्टिव वॉल बना लेता है अपने सेल के अराउंड ठीक इस प्रोसेस को कहते हैं एनसिस्टेशन ठीक अब इस सिस्ट के अंदर क्या होता है जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है मल्टीपल टाइम्स ठीक है और क्या बना लेता है कई सारे डॉटर सेवरल टाइम्स इनसाइड द सिस्ट न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म मेनी डॉटर न्यूक्लिया अब इन सब न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाएगा और थिन मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं इसके अराउंड ठीक है सो so, वही लिखा हुआ है यहाँ पे नाउ मेनी न्यू डॉटर्स डॉटर सेल्स आर फॉर्म ये सब क्या है डॉटर सेल्स विद इन अ विद इन सिस्ट ठीक है अब जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगी तो जो सिस्ट है ये टूट जाएगा एंड मेनी डॉटर सेल्स आर रिलीज ईच फॉर्मिंग न्यू ऑर्गेनिज्म ये आप देख सकते हैं ये मल्टीपल फिशन दिखाया गया है प्लाज्मोडियम में आप देख लीजिएगा मैंने जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां वहां लेबलिंग की है सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायो में आप कोई भी डायग्राम बनाओ आप उसको जितना अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करोगे आपको उतने ही मार्क्स मिलते हैं ओके सेकेंड मेथड जिससे रिप्रोडक्शन होता है वो है बड़िंग ठीक है इस प्रोसेस में क्या होता है एक स्मॉल आउटग्रोथ जिसको बड़ कहा जाता है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ग्रो करता है विच देन डिटैचेस एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म एग्जांपल क्या है इसका हाइड्रा और ईस्ट ठीक है तो हम हाइड्रा में देख लेते हैं हाइड्रा में एक स्मॉल बड बन जाती है ये बर्ड दिख रही है आपको बाय रिपीटेड माइटोटिक डिविजन ठीक है अब ये बड ग्रो करेगी और एक स्मॉल हाइड्रा बना देगी बाय डेवलपिंग माउथ एंड टेंटिकल्स ठीक फाइनली ये जो टाइनी न्यू हाइड्रा है ये डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से एंड लिव्स अ सेपरेट लाइफ ठीक है ये क्लियर हो गया सेम वे ईस्ट में भी होता है आप ये डायग्राम देख सकते हैं डायग्राम आप जितना बनाएंगे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं ठीक मैं बार बार फोकस कर रही हूं डायग्राम पर बिकॉज बायोलॉजी वो बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेक्स्ट हम आते हैं ईस्ट पर ईस्ट क्या है एक यूनिसेलुलर फंगस है इसमें बड अपीयर्स होती है ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल फिर न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है इनटू टू पार्ट्स एंड वन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस मूव्स इनटू द बर्ड अल्टीमेटली जो बर्ड है इट सेपरेट्स ऑफ द फ्रॉम द पेरेंट ईस सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू सेल बर्डिंग इन ईस्ट हावेवर ऑफन टेक्स प्लेस सो फास्ट दैट द फर्स्ट बर्ड इतनी तेजी से होता है द फर्स्ट बर्ड फॉर्मिंग देयर ओन बर्ड जो पहली बर्ड थी वो अपनी खुद की भी बर्ड बनाने लग जाती है एंड ऑल ऑफ देम रिमेन अटैच टू द पेरेंट ईस्ट सेल जैसे कि आप यहां देख सकते हैं बर्ड था बर्ड में बर्ड और बन गई तो ये पूरा चेन बन जाता है आफ्टर सम टाइम ऑल द ईस्ट सेल्स ऑफ द चेन सेपरेट फ्रॉम वन अनादर और इंडिविजुअल ईस्ट सेल्स बना लेते हैं ठीक है आप ये देख सकते हैं पेरेंट सेल था पेरेंट सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ एक छोटा सा बर्ड अपियर हुआ न्यूक्लियस डिवाइड होके उसमें चला गया और बर्ड जो है वो अलग हो गई रिब्ड ऑफ ठीक है एंड यहां पर बर्ड्स अगर अटैच रहेंगी तो फिर लॉन्ग चेन बन जाती है इस सेल्स की जो कि आगे जाके आफ्टर सम टाइम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे ये क्लियर हो गया आपको नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ ए सक्शुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेज हंड्रेड ऑफ स्पोर्ट्स वेन द स्पोर केज बर्स्ट स्पोर्ट स्प्रेड इन टू एयर वेन दिस स्पोर्स लैंड ऑन फूड और सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशन जैसे कि डैम्प एंड वार्म कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गैनिजम्स इसका एग्जाम्पल क्या है मोस्ट फन जाए जैसे कि राइजोप म्यूकर बैक्टीरिया हो गए नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए जैसे कि फर्न एंड मोसिस ठीक है टाइनी स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर हमने देखा होगा अः फूई लग जाती है ब्रेड पर सो so, उसके स्पोर्स एयर में तो होते ही हैं जब ये स्पोर्स सेटल हो जाएंगे फूड पर या सॉइल में वो जर्मिनेट कर जाएंगे इनिशियली वो ऐसा दिखते हैं व्हाइट कॉटनी ग्रोथ दिखती है ठीक है कवरिंग द फूड एंड लेटर टर्न्स ब्लैक अब अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में डायग्राम के साथ देखूं तो क्या होगा मोल्ड जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है राइजोपस का इसमें क्या होता है फाइन थ्रेड लाइक ये दिख रहे हैं आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं हाइफी ठीक है और इसमें थिन स्टेम्स होती है जिनको क्या कहते हैं स्पोरेंजियो फोर्स ठीक इनमें लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहते हैं स्पोरेंजिया ठीक है कई सारे स्पोरेंजिया सिंगल स्पोरेंजियम हर स्पोरेंजियम में बहुत सारे माइन्यूट स्पोर्स होते हैं जिनको स्परेंजियो स्पोर कहा जाता है ठीक है और ये जब स्पोर केस इसको स्पोर केस कहा जाता है इसलिए जब ये स्पोर केस बर्स्ट होता है तो छोटे छोटे स्पोर्स जो है वो एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं दीज स्पोर्स कैन प्रोड्यूस मोर ब्लड मोल्स अंडर अंडर स्टेराइल कंडीशन सुटेबल कंडीशन ठीक है ये क्लियर हो गया तो बेसिकली डायग्रामेटिकली मैंने समझाया राइजोपस है इसके पास राइजोइड्स होते हैं ये हाइफी है ये इसका एनजीओ है ये स्परेंजियम है इनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जब स्पोर केस बर्स्ट करता है तो स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में ठीक है ये क्लियर हो गया अगला मेथड है रीजेनरेशन रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इसका एग्जांपल है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया जब एक होल न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रोड्यूस फ्रॉम द कट बॉडी पार्ट ठीक इसका एग्जांपल हम डिटेल में थोड़ा प्लेनेरिया के बारे में पढ़ते हैं प्लेनेरिया क्या है एक फ्लैटवर्म है ठीक है इसमें बहुत पावर होती है रीजनरेशन की अगर मान लो प्लेनेरिया किसी भी रीजन से कट हो गया इनटू मेनी पीसेस तो क्या है हर पीस कैन रीजनरेट इनटू अ कंप्लीट प्लेनेरिया अब मैं इसको आपको डायग्राम से अगर दिखाऊंगी तो ये देख सकते हैं आप ये प्लेन एरिया था अगर ये मान लीजिए तीन पार्ट्स में कट हो गया तो तीनों पार्ट रीजनरेट होके एक कंप्लीट प्लेन एरिया बना सकते हैं ये क्लियर हो गया सो बेसिकली रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन क्यों क्योंकि मोस्ट सिंपल एनिमल्स वुड नॉट डिपेंड ऑन बींग कट इन टू पीसेज टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस ठीक है अब ऑर्गेनिज्म वेट तो नहीं करेंगे ना रिप्रोडक्शन करने के लिए कि कब उनको पीसेज में कट होने हैं ठीक इट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लेनेरिया एंड हाइड्रा प्लेनेरिया और हाइड्रा सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है हावेवर जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं बन सकते कट बॉडी पार्ट से थ्रू रिजनरेशन ठीक है ऐसा क्यों होता है दिस इज बिकॉज सच ऑर्गेनिज्म हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है उसमें सेल्स होंगे सेल्स के टिश्यूज होंगे टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन बना रखे होंगे तो उस केस में एक कट पार्ट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता द स्पेशाइज सेल्स मेकअप टिश्यूज टिश्यूज मेकअप ऑर्गन ऑर्गन मेकअप ऑर्गन सिस्टम्स एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम्स मेकअप ऑर्गेनिज्म मैं एग्जाम्पल देती हूँ अगर मैं एक डॉग की टेल कट कर दू इट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑर्गन लाइक हार्ट ब्रेन लंग्स एक्सेट्रा राइट तो उसके इसमें रीजनरेशन नहीं हो सकता सो so, रीजनरेशन सिर्फ सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हो सकता है नेक्स्ट मेथड ऑफ ए रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन सम ऑफ द मल्टी सेलर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है दे कैन ब्रेक अप फ्रेगमेंट्स ऑन द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गैनिज्म इन टू पीसेज इच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल है स्पाइरोगा अगर स्पाइरोगा किसी भी रीजन से कट हो जाता है इनटू पीसेस सो हर पीस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कंप्लीट स्पायरोगायरा ठीक है सो ये हो गया स्पायरोगायरा का द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन इज दैट फ्रेगमेंटेशन अकर्स फिजन अकर्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म